हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करूंगा लूटकेस मूवी का, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे अभी आ चुका है। आप सभी देख सकती है इस फिल्म को। तो क्या ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, सभी डिटेल्स में मैं बोलूंगा। फिल्म में एक्टिंग किसका अच्छा है, किसका बुरा है, सभी डिटेल्स में बोलूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गेट द बेल आइकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं लूटकेस का मूवी रिव्यू। तो इस मूवी का डायरेक्टर का नेम है राजेश कृष्णन। तो इसका जो डायरेक्शन इस फिल्म में मैंने देखा, पहले ही बोल दूं कि मैं डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस तरह का जो फिल्म होता है कि एक सॉफ्ट कॉमेडी, एक जो प्योर कॉमेडी वाला जो फिल्म होता है, इसमें डायरेक्टर का बहुत बढ़िया भूमिका होता है। और उसके साथ जो राइटर्स है, जो डायलॉग राइटर्स है, जो एडिटर्स है, इसका बहुत बड़ा गुरुत्व रहता है इस तरीके की फिल्म में। तो वो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि डायरेक्टर राजेश कृष्णन का जो डायरेक्शन मैंने देखा, वो देखने के बाद मुझे प्रियदर्शन सर की याद आ गई। एक टाइम था, मतलब 2005 से 2010-15 इस टाइम था, तब प्रियदर्शन सर का फिल्म आता था, कॉमेडी वाला जो फिल्म होता, जिसमें अक्षय कुमार रहते थे, सुनील शेट्टी साहब रहते थे। वो जो फिल्म होता था, एक फ्रेश कॉमेडी देखने को मिलता था, जिसको देख के हमारा जो डिप्रेशन होता था वो दूर हो जाता था। वो एक टाइम था, मतलब वो दिन भी क्या दिन थे, एक ऐसा टाइम था वो। तो उसके बाद मतलब प्रियदर्शन का जमाना जब गया, उसके बाद उस तरह का जो कॉमेडी फिल्म होता था, जिसको देखने में मतलब सारे परिवार एक साथ मिलकर देख पाएंगे, सारे बच्चे एक साथ मिलकर देख के एंजॉय करेगा, इस तरह का फिल्म आजकल नहीं आता है। आजकल कॉमेडी आता है तो वो होता है एडल्ट कॉमेडी, या फिर फैमिली सबके साथ हम लोग देख नहीं पाएंगे, या स्लैपस्टिक कॉमेडी। तो प्रियदर्शन एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कॉमेडी में एक अलग से जगह मतलब कर लिया था बॉलीवुड पे। लेकिन उसके बाद इतने सालों के बाद मैंने एक फिल्म देखा जिसको देख के मुझे वो फीलिंग आज हुई, जैसा कि मुझे चाइल्डहुड में होता था। एक ऐसा फिल्म मैंने आज देखा, लूट केस, जो कि अगर बॉक्स ऑफिस पे आता, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता, पब्लिक अगर ठीक ठाक फिल्म देखती, तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस डिजर्व करता है, क्योंकि फिल्म मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है और एकदम पावरफुल है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन मैंने पहले भी बोला बहुत ही अच्छा था, उसके साथ जो एक्टर्स का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल बढ़िया। क्या एक्टिंग किया है कुणाल खेमू ने। कुणाल खेमू जब एक चाइल्ड एक्टर हुआ करता था, तब जख्म फिल्म में उसका एक सीन था, उसमें क्या एक्टिंग किया था उसने, रोनक एक्टिंग सभी में, ये बंदा एकदम मतलब फर्स्ट क्लास है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कलंक जैसे थर्ड क्लास फिल्म में इसने फर्स्ट क्लास एक्टिंग किया था। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे जो फिल्म आई थी कुछ दिन पहले मलंग, वो भी एक थर्ड क्लास फिल्म था, लेकिन इसका एक्टिंग 5-10 मिनट का पार्ट होता है, एक बंदा एकदम फर्स्ट क्लास एक्टिंग करता है। तो यह भी एज ए लीड एक्टर जो एक्टिंग उसने किया है, एक सैल्यूट डिजर्व करता है। क्या एक्टिंग है, कितना नेचुरल। उसके साथ अगर आप लोग एक मतलब एक बंदे का बात मैं नहीं बोलूँगा तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा, वो है विजय राज साहब। विजय राज कॉमेडी फिल्म का मैं बोलूँगा कि बेताज बादशाह है। अब लोग धमाल देख लो, बॉम्बे टू गोवा देख लो, उसके बाद जो भी उसका जो फिल्म है रन में, रन जो फिल्म है अभिषेक बच्चन का, उसका लोग याद कर चुका है, आज तक लोग याद करता है सिर्फ विजय राज के लिए, उसका जो कौवा बिरयानी वाला सीन है। तो ये बंदे में दम है, और इस फिल्म में उसका जो काम है बिल्कुल एकदम बढ़िया है, और फिल्म में उसका जो मतलब जो डायलॉग्स है वो एकदम दिलचस्प रहता है, और उसका जो असिस्टेंट का पार्ट जो दोनों ने किया है, उसने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किया है। और उसके साथ जिसका नाम मैं बोलूँगा वो है रणवीर सोरेन। एक टाइम में बॉलीवुड में रणवीर सोरेन का एक बहुत ही ज़्यादा पार्ट उसको मिलता था, अगर आप लोग चांदनी चौक पर चैनल लगेंगे, उसके साथ जो भी फिल्म उसका आता था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग वो करते थे। लेकिन आजकल का जो ज़माना आ चुका है, जहाँ पे नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पे आउटसाइडर को चांस बहुत कम मिलता है, तो रणवीर सोरेन भी उस लिस्ट पे है, उसको ज़्यादा चांस नहीं मिलता है बॉलीवुड में। लेकिन जब भी उसको अच्छा मतलब अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है रणवीर सोरेन। और इस फिल्म में उसका वो स्क्रिप्ट मिला है, और एकदम फायदे का एकदम परफेक्टली मतलब यूज़ किया है यहाँ पे रणवीर सोरेन साहब ने। क्या एक्टिंग किया है, और उसके साथ जो कुणाल खेमू का जो वाइफ का पार्ट किया है, और उसके साथ कुणाल खेमू का जो बच्चा है, क्या एक्टिंग किया है, मतलब वो दोनों को जब भी कोई डायलॉग है तो एकदम हंसी आ जाती है। तो फिल्म बिल्कुल पावरफुल है, एंटरटेनर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज जो चार फिल्म रिलीज हुई है, शकुंतला देवी देख लो, रात अकेली है देख लो, उसके साथ देख लो इयारा, तो उसके साथ अगर लूटकेस के बाद मैं बोलूँगा तो लूटकेस देख के मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आई है, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लूटकेस लगा है। इसका ट्रेलर भी बहुत ही इंप्रेसिंग था, लेकिन जब फिल्म मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा मैं इंप्रेस हो चुका हूँ। इसको मैं रेटिंग दूंगा 5 में से 4, और आप लोग को क्या लगता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग अब तक इस फिल्म को नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ ज़्यादा मिस करेंगे, आप लोग का जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन दूर करने में ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छा काम आएगा, टाइम स्पेंड करने में। अगर आप लोग 2 घंटे 12 मिनट अगर आप लोग मतलब आपको टाइम पास नहीं हो रहा है, तो ये फिल्म आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है।
तो मैं तो बोलूँगा जरूर देखिए, अगर इसमें हम लोग नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गेट द बेल आइकॉन। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, अभी के लिए बाय, फिर लेकर आऊँगा नया कोई वीडियो, अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते।